हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया है आज वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या टॉपिक है हमारा? बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी आप पहले तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कई सारे फार्मूलेज, कई सारे डेरिवेशंस आते हैं और मैं आपको वो कम्प्लीट डेरिवेशंस बताऊँगा किस तरीके से वो फार्मूले जनरेट होते हैं, उनका कहाँ पर यूज होता है, कैसे हम उनको यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग बना लेते हैं पहले, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि नील बोर से पहले जो मॉडल आया था वो दिया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था वो मॉडल? दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन रदरफोर्ड ने लोगों को ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ घूमता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूमता है, तो इस बात का जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो उनकी इस गलती को सुधारा था नील बोर ने। किसने सुधारा था? नील बोर ने। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण। किसके कारण? सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये सेंट्रिपिटल फोर्स उनको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है वो फोर्स? मिलता है उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आ जाती है कि व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या? किसको कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ हमेशा प्रभावित रहता है, सेंटर की तरफ झुकने की कोशिश करता है, सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूँ द फोर्स विच रोटेट अ थिंग सर्कुलर इन अनदर थिंग इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने पर मजबूर करता है वो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ द फोर्स विच रोटेट अ थिंग सर्कुलर टू अनदर थिंग, सर्कुलर टू अनदर थिंग, यानी कि उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमने में मजबूर करता है, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस फोर्स को कहा गया सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ सी से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रिपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा, फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर एम जो है वो मास है, वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आर जो है वो रेडियस है। आर जो है वो रेडियस है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वी वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो आर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इस इलेक्ट्रॉन का मास एम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोर्ड ने हमको ये बताया कि यहाँ पर बात अब चल रही है फर्स्ट पोस्टुलेट की, जिसमें नील बोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके पीछे का कारण है सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि उसको दिया जाता है। किसके द्वारा? वो फोर्स उसको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू बोर, बोर ने क्या बताया था? ड्यू टू, या तरीके थोड़ा सा मैं और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसमें आप समझे पहले कि चार्ज के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो क्या मिल रहा है? उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है।
तो वो फोर्स किसके द्वारा मिल रहा है उसको, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मिल रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब जनरेट होता है ये बात आप जूनियर क्लास में जान चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब जनरेट होता है जब दो चार्ज होते हैं। अब दो चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, सिमिलर चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन का फोर्स जनरेट होगा, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट होगा। लेकिन उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स जनरेट होता है दो चार्ज के बीच में, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि बोर्ड ने बताया था हमको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जनरेट होता है दो चार्ज के बीच में। और दो चार्ज यहाँ पर क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ वो फोर्स कहलाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बात कर लेते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड ने बताया था ड्यू टू चार्ज, किसकी वजह से, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों पर ही चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटॉन पर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। ठीक है, देयर मस्ट बी अट्रैक्शन, तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। देयर मस्ट बी अट्रैक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है बिटवीन देम। और जाहिर सी बात है जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो फोर्स भी है। तो मैंने आपको फोर्स क्या बताया, दो चार्ज के बीच में आने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, सेंटीपेटल फोर्स भी समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा और बात आगे बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस फोर्स के द्वारा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या मिल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है सेंटीपेटल फोर्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बात को समझिए, फोर्स की बात मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जो कि होता ही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो दो चार्ज है हमारे पास, क्या है, दो चार्ज, एक ये है और एक ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों चार्ज है, सपोज करो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। क्या है, Q1 है और दूसरा Q2 है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। अभी मैंने मान के चला था इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस R, एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स बराबर होगा 1/4πε₀ q1 q2 upon r square। q1 q2 upon r square के बारे में आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे, न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जब बात की थी उन्होंने, तो न्यूटन्स ने बताया था कि दो चार्ज जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है r मान लें, और उसकी जो है जब हम उसको आप इन्वर्सली रखेंगे तो उन दोनों का जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये बात न्यूटन ने भी बताई थी। तो फोर्स क्या कह रहा है, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स हमें निकालना होगा, वो फोर्स निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, 1/4πε₀। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपके लिए नया है, क्या है, जो ई जैसा बना हुआ है इसको कहते हैं एप्साइलन। क्या कहते हैं, एप्साइलॉन। ठीक है, और एप्साइलॉन जो वर्ड है मेनली इस्तेमाल किया जाता है आपका फिजिक्स में। क्या, किस में इस्तेमाल किया जाता है, फिजिक्स में खास तौर से इसका इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है परमिटिविटी। क्या मतलब होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मेनली क्या है, ये जो है एक कॉन्स्टेंट है, अभी कांस्टेंट मैं बताऊंगा आपको, इसकी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, मेनली इसको जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है तो केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसको। तो
इतना जान लीजिए आप कि ये क्या करता है, ये कांस्टेंट बताता क्या है, ये कांस्टेंट रिलेशन बताता है यूनिट्स के बीच में, की किसके बीच की रिलेशन बताता है, यूनिट्स को रिलेट करता है, कौन कौन सी यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज टू मैकेनिकल क्वांटिटीज, किसके बीच में रिलेशन करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज टू मैकेनिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ एंड फोर्स, यानी कि ये जो कांस्टेंट है वो इस्तेमाल होता है एक रिलेशन स्थापित करने के लिए, और रिलेशन किस किस के बीच का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच में जो मैकेनिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं जैसे कि लेंथ है, फोर्स है, इनको रिलेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो आप यहाँ पर लिख दें एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू रिलेट द यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, किस किस के बीच में रिलेशन बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैकेनिकल क्वांटिटीज जो उन चार्ज में इस्तेमाल होंगी, चाहे तो वो लेंथ हो या फिर फोर्स हो, उन दोनों के बीच का रिलेशन स्थापित करेगा कौन, एप्सिलॉन नॉट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज टू मैकेनिकल क्वांटिटीज सच एज फोर्स एंड लेंथ, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा आपको। तो ये जो है एप्सिलॉन बताता है आपको मेनली, ये जो है आपको फिजिक्स में और ज़्यादा ब्रॉडली आपको पढ़ने को मिलेगा, तो फिजिक्स का ये टर्म है। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्स मैंने बताया आपको, फोर्स जो है वो आपको निकालना पड़ेगा 1/4π0 q1 q2 r², जिसमें q1 जो है एक ऑब्जेक्ट का चार्ज है, q2 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं इसको, एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, बात को समझे स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो आप नोट कर लें, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻²² कूलम्ब स्क्वायर पर nm स्क्वायर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 8.85 × 10⁻²² कूलम्ब स्क्वायर पर nm स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 1/4π ε₀ इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पूरे की क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इस पूरे की एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ nm स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, nm स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यानी 1/4π ε₀ की जो वैल्यू है वो है 9×10⁹ nm स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पाई की जगह आप 3.14 रख दें, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 × 10⁻²² रख दें, और 1 के अपॉन में इन सभी वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9×10⁹ nm स्क्वायर। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगी किसकी, 1/4π ε₀ की। तो 1/4π ε₀ की वैल्यू है 9×10⁹ nm स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर पर nm स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 8.85 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर पर nm स्क्वायर, और 1/4π ε₀ की जो वैल्यू है वो है इतनी 9×10⁹ nm स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास बना फोर्स का जबकि क्या, F=1/4π ε₀ q1 q2 r², ये फॉर्मूला बना जाके। अब थोड़ी सी बात समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, कहीं पर भी मिस नहीं होना इसमें। देखिए न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, बात समझे, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो कि मान लिया मैंने ये है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मैंने मान लिया ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है। और बेसिकली अगर मैं चार्ज की दोनों की बात करूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों पर बराबर बराबर चार्ज होता है,
बस अंतर इतना है कि एक पर प्लस है और एक पर माइनस चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज सॉरी माइनस और प्लस का अंतर होता है, बाकी उसकी जो है क्वांटिटी जो है वो दोनों की बराबर ही रहती है। दोनों पर चार्ज कैसा रहता है, बराबर चार्ज रहता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा आप लोगों को दोनों पर चार्ज कैसा है, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड पर, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सपोज कीजिए कि एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो ई है, तो सपोज करो ये इसमें जेड एटॉमिक नंबर है, इसका कितना है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो जेड एटॉमिक नंबर पे कितने प्रोटॉन होंगे, आपके नंबर में कितने प्रोटॉन होंगे, तो उसमें क्या होगा, जेड ई। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई, और उसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, तो क्या हो जाएगा आपके, तो जो उस पर जो टोटल चार्ज होगा एटॉमिक नंबर पर वो कितना होगा, जेड ई। कितना चार्ज होगा, जेड ई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ, मैंने मान लिया लेट एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या, जेड, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, जो कि बराबर किसके होता है, प्रोटॉन के होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा था। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या माना था, ई माना था, वो भी लिख लिया मैंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या ले लिया मैंने, वो ले लिया ई, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी मैंने क्या लिया है, ई ही लिया है, क्योंकि दोनों पर चार्ज कैसा होता है, बराबर होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। प्रोटॉन पर भी चार्ज कैसा है, ई है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, जेड ई। चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, जेड ई। अब देखें स्टूडेंट्स, समझे इस बात को, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, आर रेडियस मान ली यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझे, नील बोर क्या कहता है, नील बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के पीछे जो फोर्स है, वो फोर्स जो है सेंटीमीटर, वो फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो फोर्स मिल रहा है। कौन सा फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, वो फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ये बात नील बोर ने कही थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यही पहला पोस्टुलेट्स है। आप समझें कि नील बोर ने कहा था सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वो फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, वो फोर्स मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, 1/4π ε0 Q1 Q2 upon r square। अब ध्यान दें, Q1 Q2, तो Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना माना मैंने, ई, चलिए लिख दिया मैंने ई, इंटू Q2 यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, जेड ई, तो ये भी लिख दिया मैंने, अब इंटू जेड ई। ठीक है, अपॉन आर, आर क्या है, ये ना, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर था स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, 1/4π ε0 Q1 Q2 upon r square, तो 1/4π ε0 ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट अक्सर जो है कॉन्सेप्चुअल मिस हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, समझे, कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जनरेट होता है उसको कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर नहीं होता। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो दोनों बराबर बराबर लिख दिए गए हैं, तो इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ये बराबर क्यों लिखे गए हैं। पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, क्या कैलकुलेशन आएगी इसकी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 1/4π ε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात समझे स्टूडेंट्स, इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये रही पहली इक्वेशन जो कि आई जो है नील बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से, जो कि था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो चक्कर लगाने के कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि जनरेट करता है सेंट्रिपिटल फोर्स को। ठीक है,
अब मैं ये कह रहा था आपसे कि दोनों फोर्स बराबर नहीं होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर ने दोनों बराबर लिख दिए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है, ये कह सकता हूं कि ये सेंटीपेटल फोर्स जो है वो बनता है किसके द्वारा, किसके द्वारा बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क करता है किसकी तरह, सेंटीपेटल फोर्स की तरह। इसको कैसे समझेंगे, बात को समझें थोड़ा सा, कि सपोज कीजिए कि मैं मंदिर जाता हूँ, सपोज कीजिए मैं मंदिर गया। अब मंदिर में क्या था कि मंदिर में मैंने भगवान की परिक्रमा की, मंदिर में क्या किया, भगवान की परिक्रमा की गई। अब भगवान की परिक्रमा मैंने क्यों की, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक है मेरी आस्था जो कि मुझे उनके चारों तरफ घूमने पर मजबूर कर रही है। कौन मजबूर कर रहा है मुझे, मुझे मजबूर कर रहा है कौन, मेरी आस्था किसकी तरफ घूमने पर, भगवान के चारों तरफ घूमने। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमने के लिए, और उसी को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स। उसको क्या कह देते हैं, उसी को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस तरीके से सर्कुलर पाथ में, सपोज करो उसकी वेलोसिटी ये थी, वी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो जब ऐसे जा रहा था तो फिर वो ऐसे मुड़ क्यों गया, देख रहे होंगे ये, क्योंकि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, ये पढ़ा है हमने, तो यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ जा रहा था वो, फिर क्या, फिर मुड़ गया यहाँ पर, 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 लगातार मुड़ता रहा, यानी कि एक सर्कुलर पाथ बनाया उसने। वो सर्कुलर पाथ बनाया किसके द्वारा, वो सर्कुलर पाथ बना सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा, जो कि उसको कहाँ से मिला, उसको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो पहली इक्वेशन बन चुकी है मेरे फर्स्ट पोस्टुलेट से, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 πε0 ∗ Z²/R। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं सेकंड पोस्टुलेट जो है नील बोर्ड ने क्या बताया था। ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास, सेकंड पोस्टुलेट जो था नील बोर्ड का वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते तो हैं, ध्यान समझेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दायरे में ही चक्कर लगाते हैं, या ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। कैसे, समझे स्टूडेंट, सपोज करें ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चक्कर लगा रहा है, सपोज कीजिए फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। बीच में ये जो गैप आ रहे हैं, बीच में ये जो गैप आ रहे हैं, इन जगह पर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर इन जगहों पर लगाएगा, इन जगहों पर लगाएगा। अब देखिए इन्हीं जगहों पर चक्कर क्यों लगा रहा है, यही बात जो है नील बोर्ड ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताई थी, इन्हीं जगहों पर क्यों चक्कर लगा रहा है, यही बात उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में बताई थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता तो है, लेकिन जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, समझे बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर चक्कर लगाता है उस जगह को कहते हैं ऑर्बिट, क्या कहते हैं, ऑर्बिट, समझे बात को, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर चक्कर लगाता है उसको ऑर्बिट कहते हैं, ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जितनी भी, जो आप देख रहे हैं जितनी भी जगह है उसको ऑर्बिट नहीं कहते, ऑर्बिट कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में चक्कर लगाता है उसी को कहा जाता है ऑर्बिट। यानी कि हम कह सकते हैं द रिवॉल्विंग प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिट, द रिवॉल्विंग प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड पोस्टुलेट में नील बोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लिख लेते हैं इस बात को, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। मैंने बताया आपको कि जिस सर्कुलर पाथ में वो चक्कर लगा रहा है केवल उसी को ऑर्बिट कहा जाएगा, जो यहाँ पर जो जगह बची हुई है उसको ऑर्बिट नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। यही बात जो है नील बोर्ड ने बताई थी, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक फिक्स्ड जगह पर चक्कर लगा रहा है, उस फिक्स्ड जगह को कहते हैं ऑर्बिट, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, और
ऐसे ही नहीं, एक चीज़ और इस सेकंड पोस्टलेट में एक बात और बताई गई थी नील बोर्ड के द्वारा कि ये जो फिक्स जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसके पीछे का कारण है, मैं आपकी आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का कारण है क्या, कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एच अपॉन टू पाई के। ये बात नील बोर्ड ने अपने सेकंड पोस्टलेट में बताई थी। क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, बट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, देखिए समझिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वही ऑर्बिट है, लेकिन उसी ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहीं पर क्यों लगा रहे हैं, ये जो जगह बीच में पड़ी हुई यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन दैट ऑर्बिट या कह सकते हैं इन दैट प्लेस वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, मैं पूरा फॉर्मूला बोल गया था, समझ लीजिए स्टूडेंट्स नील बोर्ड ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, बट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, लिख लेते हैं इस बात को फिर मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट किस ऑर्बिट में, जहां पर इन दैट ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। कई जगह पर आपको यह भी लिखा मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो मैं भी लिख सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप क्लास 11th में आए हो तो और क्लास 11th में आने के बाद क्लास 10th से सिलेबस जो है जस्ट डिफरेंट हो जाता है, बहुत सारी बातें आपको 11th में आने पर नई नई पढ़ने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको नई नई बातें पढ़ने को मिल रही हैं, तो पहली बात आपको क्या नई मिली कि एंगुलर मोमेंटम, क्या नई बात मिल रही है, एंगुलर मोमेंटम, और दूसरी चीज़ है क्वांटाइज्ड, क्या है क्वांटाइज्ड, इन दोनों का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसको कहेंगे ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इज द इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई के, या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। तो एक एक करके इस बात को समझते हैं। यहां पर एक चीज़ और आपको नहीं समझ में आ रही होगी, जो एच लगा दी है वो एच क्या खेल है, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आप धीरे धीरे करके मतलब उसको समझिए, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वांटाइज्ड क्या है, व्हाट इज क्वांटाइज्ड। देखिए क्वांटाइज को मैं बड़ी सिंपली आपको समझाऊंगा कि क्वांटाइज क्या है, कि व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी, देखिए स्टूडेंट ध्यान समझना, व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अनदर क्वांटिटी, लिख दूं मैं यहां पर, व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज द इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मतलब क्या है इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसी से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास 10th में आपने पढ़ा था जो चार्ज है क्यू इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यहाँ देखिए चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज क्या है ये भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है
चार्ज था, कैपिटल क्यू से ले लेते हैं क्योंकि टेंथ में कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया था ये। तो क्यू क्या है? चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, तो क्या है ये? एन क्या है? इंटीजर है। यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो सकता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक इंटीग्रल से मल्टीपल हो जाए, एक इंटीग्रल से मल्टीपल हो जाए तो क्या होगा? वो चार्ज कहलाता, वो चीज़ कहलाती है क्वांटाइज। क्या कहलाती है? क्वांटाइज। जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाए। क्या समझे बात आपको? कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं क्वांटाइज। क्या कहते हैं? क्वांटाइज। और यहाँ पर क्वांटाइज क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है बराबर हो जाए किसके? इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n, n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंटीजर को, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π यानी कि एन एच अपॉन 2π। एंगुलर मोमेंटम जो है वो l से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल l से, और n यहाँ पर एक इंटीजर है, एन एच अपॉन 2π। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर l क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, l इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है ये। एन क्या है? एन इंटीजर है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एच यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। ये वैल्यू जो है एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था प्लांक्स, उसी के नाम पर ये वैल्यू रखी गई थी, प्लांक्स कांस्टेंट। बेसिकली ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो लाइट की वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइट जो है बिना प्लांक्स कांस्टेंट के इस्तेमाल किए लाइट की कोई वैल्यू जो है आप फाइंड नहीं कर सकते। फोटॉन्स वगैरह की वैल्यू आपको निकालने के लिए इस प्लांक्स कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एच क्या है? एच है आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और पाई की तो आप जानते ही होंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो क्वांटाइज मैंने बता दिया, क्वांटाइज मतलब क्या? जब एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? क्वांटाइज कहेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि h अपॉन 2π भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। और n क्या है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। बात समझे स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए एंगुलर मोमेंटम को मैं बड़ी सिंपली बोलूंगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? किसका प्रोडक्ट है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, और ये भी क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट। मोमेंट मतलब मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और उसकी एंगुलर वेलोसिटी का। थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको, कि माना कि ये क्या है? न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। समझ के लिए मान लिया मैंने यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक चीज़ और समझ लीजिए स्टूडेंट, हालांकि ये जो ऑर्बिट बनाएंगे आप और थोड़ा पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे ये इलेप्टिकल साइज में होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम हर एक जगह पर सेम होता है, यानी कि जितना भी आप पाथ कवर करेंगे उस जगह पर एंगुलर मोमेंटम हर जगह पर कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, एक पाथ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मास क्या है? एम है। ध्यान देखेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो मास m था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास m था, वो कुछ यूं जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर क्या है? एंगल है वो क्या है? थीटा।
क्या है, थीटा है। देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लगेगी, हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर्स में आगे जाके, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा केवल इसके बारे में, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स के टर्म्स इसमें नहीं डिस्कस करूँगा मैं। तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मास एम था उसका, रेडियस आर थी, और उस पर जो एंगल था वो क्या था, क्यू था। तो समझे, एंगुलर मोमेंटम से एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, ये आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला है, क्लास नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था, मोमेंटम है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, बात को समझे स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, रेडियस क्या है, एंगुलर एंगल किससे बनेगा, इस आर से बनेगा, किससे बनेगा, इस आर से बनेगा, बात समझे। बिना इस आर को लिए आप एंगल नहीं बना सकते हैं आर, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का जब मल्टीपल होता है तो वहाँ पर एंगल लिया जाता है साइन थीटा। कौन सा एंगल लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है स्टूडेंट्स। ये बात आप फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप पढ़ते जाएंगे। तो मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, साइन एन और लगा दीजिए, साइन थीटा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो कैसा है, 90 डिग्री है, क्यों, परपेंडिकुलर है। देखिए वेलोसिटी क्या है, वी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर, और ये देखिए तो साइन थीटा यहाँ पर कितना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। साइन थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, और साइन थीटा की 90 डिग्री वैल्यू होती है 1, क्या होती है, 1। तो एल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी एम वी आर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर। तो एल इक्वल टू क्या है था हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, और एल की वैल्यू क्या हो गई, एम वी आर। तो एल की जगह मैं लिख दूंगा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। कई जगह पर कई बुक्स में आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, कई बुक्स में बिल्कुल सिंपली ये डायरेक्ट भी दे दिया जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू जो होती है, एच की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, जूल सेकेंड, तो 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड किसकी वैल्यू है, एच की, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट की, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई हो गया, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये बन गई जाके हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अभी हम दो ही पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दो पोस्टुलेट से कई सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो एम वी आर इक्वल टू हो गया एन एच अपॉन 2 पाई। अब समझे, अब मैं यहाँ पर जो है ये जो रेडियस आर मानते चले आए हैं हम अभी तक, ये रेडियस कितनी होती है, ये रेडियस कितनी होती है, अलग अलग ऑर्बिट की जो रेडियस है वो अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। अब उस रेडियस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस रेडियस को निकालने का फॉर्मूला, क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेडियस को निकालने का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट। तो आइए, तो दो इक्वेशन आ चुकी थी मेरे पास, तो ऑर्बिट के रेडियस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने नील बोर के जो है दो पोस्टलेट्स पढ़ लिए हैं। पहला पोस्टलेट्स क्या था, पहला पोस्टलेट्स ये था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू अ फोर्स विच इज जनरेटेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट जनरेटेड फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो पहला जो पोस्टलेट था वो ये था, जिससे हमें फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था हमारे पास, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 πε0 या ε0 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला आया था हमारी पहली पोस्टलेट से। और जो दूसरा पोस्टलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन दैट ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन
टू पाई। तो उससे जो हमारे पास फॉर्मूला बनके तैयार हुआ था वो था हमारे पास एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास दो पोस्टुलेट से तैयार हुए थे। तो हमें निकालना है अब क्या, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा। कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा? सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा, और सेकंड इक्वेशन से मैं वैल्यू सेट कर लूंगा वी की। किसकी वैल्यू सेट कर लूंगा? मैं वी की वैल्यू सेट कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम जान रहे हैं कि एम वी आर इक्वल टू क्या है, एन एच अपॉन टू पाई। क्या है? एन एच अपॉन टू पाई। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे, क्योंकि मैं वैल्यू किसके लिए सेट कर रहा हूँ, v के लिए स्टूडेंट वैल्यू सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन एच अपॉन क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई, और ये m और r की वैल्यू कहाँ आ जाएंगे, इसके मल्टीपल में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर। कहाँ क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, v इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर। और इसी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, v की वैल्यू को मुझे पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया मैंने v की वैल्यू सेट कर ली सेकंड इक्वेशन से, तो v की वैल्यू आई हमारे पास v इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर, और इस वैल्यू को मुझे कहाँ रख देना है, फर्स्ट वाली वैल्यू में रख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली वाली वैल्यू में जब मैं रखूंगा, तो पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो इक्वेशन है एम वी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू थी हमारे पास फर्स्ट, तो यहाँ पर मुझे वी की वैल्यू रख देनी है। तो क्या आ जाएगी मेरे पास वी की वैल्यू, एम इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि वी की वैल्यू हमारे पास एन एच अपॉन टू पाई एम आर का स्क्वायर। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्या जाएगी, एन एच अपॉन टू पाई एम आर का स्क्वायर, क्योंकि वी का क्या है, स्क्वायर है, और ये बराबर है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बराबर है आर के। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर वाली, इस वैल्यू को मैं ओपन कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एम एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा स्टूडेंट्स, पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एम का स्क्वायर हो जाएगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देख लीजिए क्या कुछ वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो वैल्यू को हम पहले कैंसिल कर देंगे। तो ध्यान देंगे, इस एम से ये एक एम चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान देंगे हम, पाई क्या कैंसिल हो रहा है, पाई, इधर देखिए यहाँ पाई स्क्वायर है, यहाँ पाई है, तो एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब एक पाई कैंसिल हो गया, अब क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, देखिए देखने की कोशिश करें क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं अब मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब नहीं दिखाई दे रहा तो जो चीज़ बची है मेरे पास वो मैं लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या बचा यहाँ से, फोर पाई, पाई जो है वो हाँ ठीक है, एम आर क्या बचा मेरे पास, फोर पाई एम आर इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, हाँ इस फोर से ये फोर कैंसिल और हो रहा था, क्या कैंसिल हो रहा था, इस फोर से ये फोर कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ पर फोर नहीं बचेगा स्टूडेंट, या क्या बचेगा, पाई एम आर क्या बचेगा, पाई एम आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बचा फॉर्मूला हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा था, रेडियस के लिए वैल्यू सेट कर रहा था, मैं किसके लिए वैल्यू सेट कर रहा था, रेडियस के लिए। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आर की वैल्यू के लिए सेट कीजिए। ये मुझे लगता है ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मामूली सा काम है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई एम आर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू मुझे सेट करनी, तो आर यहीं रहने देंगे, बाकी ये जो वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो आर के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट,
ध्यान देंगे क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एन, क्या हो गया जेड ई स्क्वायर पाई एन। तो रेडियस जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान देना कि एच स्क्वायर, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी एक तरीके कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये सारी वैल्यू जो हैं वो सब क्या हैं, कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल एन पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट पर, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी वो एन की वैल्यू को बढ़ाती जाएंगी, यानी कि रेडियस जो है वो डिपेंड कर रही है एन पर। तो मैं लिख दूंगा रेडियस डिपेंड्स ऑन एन, रेडियस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाकी सारी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, तो बची क्या वेरिएबल वैल्यू, क्या बची, एन बची, तो एन पर डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की, तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि एन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो क्या हो जाएगा, nth की अगर मैं निकाल लिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर एन, तो आर एन के लिए फॉर्मूला वही बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये हो गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट के लिए। ध्यान दें स्टूडेंट्स फॉर्मूले पर, विशेष तौर पर ध्यान दें, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इससे निकाली जाएगी, इस फॉर्मूले से, ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट किससे निकाली जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड स्क्वायर पाई एम। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, किसी भी एक एटम में इन्फिनाइट ऑर्बिट होती है, कितनी ऑर्बिट होती है, इन्फिनाइट ऑर्बिट होती है एक एटम के अंदर, तो चाहो तो आप ये भी लिख लीजिए कि देयर आर इन्फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर एन की बात हो रही है तो ये इन्फाइनाइट टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पर देयर आर इन्फाइनाइट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए, क्या मैं इस फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ, ध्यान दें स्टूडेंट्स क्या चेंजिंग होगी, फॉर्मूला यही रहेगा, कुछ जो टर्म्स हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं एक साथ लेके जाता हूँ। देखिए आर एन इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, एप्सिलॉन जो कांस्टेंट होता है वो एक तरफ कर लिया, एच स्क्वायर जो कांस्टेंट होता है वो एक तरफ कर लिया, पाई जो कांस्टेंट होता है एक तरफ कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है वो एक तरफ कर लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने एक तरफ कांस्टेंट कर लिया, स्क्वायर भी था उसका, इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड मैंने एक तरफ रख दिया, हालांकि जेड भी कांस्टेंट होता है लेकिन अलग अलग एटम के लिए जेड की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि सभी एटम का एटमिक नंबर अलग अलग होता है। बात ध्यान भाई, n इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, n इक्वल टू है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल, मैं लिख भी देता हूँ, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि के एल एम एन जो भी आपने पढ़ी है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक ऑर्बिट ये रही, फिर दूसरी ऑर्बिट, फिर तीसरी ऑर्बिट, फिर चौथी ऑर्बिट, मान लीजिए ये के ऑर्बिट है, ये एल है, ये एम है, ये सब किसने बताया था, नील बोर्ड ने बताया था, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 होगी, एल की वैल्यू 2 होगी, एम की वैल्यू 3 होगी, एन की वैल्यू 4 होगी, इस तरीके से क्या है बढ़ती जाएगी, तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है यहाँ पर, और जेड इक्वल टू एटोमिक नंबर, बता देता हूँ मैं यहाँ पर एटोमिक नंबर है यहाँ पर। अब जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू को मैं एक साथ रखता हूँ, ये जो वैल्यू है जो मैंने आपको सबकी वैल्यू बताई थी वो रखने की कोशिश कीजिए, आर एन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.85 × 10⁻²⁻¹, क्या थी 8.85 × 10⁻²⁻¹, वो रख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 6.6 × 10⁻³⁴, उसका स्क्वायर है तो वो रख दिया मैंने, इंटू हो रहा है डॉट लगा दिया, अपॉन
पाई की वैल्यू दुनिया जानती है 3.14 होती है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10^-31, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10^-19 होता है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ध्यान रहेगा यहाँ मैंने एप्साइन नॉट की वैल्यू रख दी 8.85 इंटू 10^-12, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 6.6 इंटू 10^-34 का होल स्क्वायर, अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जब आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, केवल एन स्क्वायर अपॉन जेड को छोड़ के इन सभी वैल्यू को जब आप कॉन्स्टेंट करेंगे, सॉरी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? ये मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ, आप चाहें तो आप भी इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखें अपने पास, क्योंकि जो है जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ इन सभी का, जो कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन आता है 0.529 इंटू 10^-10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या कैलकुलेशन आता है इसका? रेडियस ऑफ एंथ टर्म क्या है? 0.529 इंटू 10^-10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यूनिट है इसकी मीटर। क्या है? रेडियस की बात हो रही है तो यूनिट क्या है इसकी? मीटर यूनिट है इसकी। तो रेडियस ऑफ एंथ टर्म क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ? 0.529 मेन फॉर्मूला आपका यही है, लेकिन न्यूमेरिकली जब आप इसको लगाएंगे तो इस वैल्यू को लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला चलता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मेन फॉर्मूला उसका क्या है? रेडियस ऑफ एन टर्म का ये है, लेकिन न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 0.529 10^-10 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर। लेकिन हो सकता है कई जगह पर आपको जो है वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछ ली जाए। कैसे पूछ ली जाए? आर्मस्ट्रॉन्ग पूछ ली जाए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर मीटर की बात करें तो वो होता है 10^-10 मीटर। कितना होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10^-10, और यहाँ पर क्या पता क्या लगा हुआ है? 10^-10 मीटर लगा हुआ है। तो ये सारी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू कितनी आएगी इसमें? रेडियस ऑफ एंथ टर्म की क्या आएगी? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो रेडियस ऑफ एंथ टर्म अगर आपको निकालनी है आर्मस्ट्रॉन्ग में तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। लेकिन अगर पिकोमीटर की बात करें तो आप 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 100 पिकोमीटर होता है। कितना होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग? मैं लिख देता हूँ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेडियस ऑफ एंथ टर्म का? ये फॉर्मूला बन जाएगा जाके 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। तो जो न्यूमेरिकल में आपको जिस तरीके से पूछा जाए आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रेडियस निकाल सकते हैं। चाहे तो आप मीटर में पूछी गई है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछी गई है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पिकोमीटर में पूछी गई है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियस को निकालने के लिए। एग्जाम्पल मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ हाइड्रोजन का। किसका एग्जाम्पल लूँगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन सभी एलिमेंट्स में से इकलौता एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसकी कैलकुलेशन करना सबसे आसान होता है। इसीलिए नील बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम का चुनाव किया था अपने मॉडल को दर्शाने के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, और 1 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यही कारण है नील बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम का ही मॉडल बनाया था, और सारे पोस्टुलेट उसी के अकॉर्डिंग दिए गए थे। तो हम एग्जांपल में देख लेते हैं रेडियस ऑफ एंथ टर्म इन हाइड्रोजन एटम। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट से। ठीक है, तो एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ किसका? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? हाइड्रोजन। फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ मैं पहली ऑर्बिट के लिए निकालता हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? तो इस्तेमाल करता हूँ 52.9 पिकोमीटर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। पहले मैं पिकोमीटर में निकाल लेता हूँ। 52.9 इंटू एन, पहली ऑर्बिट है तो n का मतलब क्या होगा? 1 होगा। n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 होता है। और z एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1, सब जानते हैं। तो इसकी जो है कितनी आ गई फर्स्ट ऑर्बिट की, इसकी पावर कितनी आ गई? 52.9 पिकोमीटर। यानी कि स्टूडेंट इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस कितनी है हाइड्रोजन की? 52.9 पिकोमीटर। यही सेकेंड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगी? 52.9 इंटू एन, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? एन इक्वल टू 2 होगा फॉर सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 का स्क्वायर अपॉन
वन, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फोर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार तीन छत्तीस और चार दूनी आठ, आठ और नौ दस ग्यारह और चार पंचे बीस, बीस और एक इक्कीस, और ये हो गया आपके पास करने पर कितना हो गया 2.116, कितना हो गया 2.116 पिकोमीटर। ठीक है, अब चाहे तो इसको आर्मस्ट्रांग में भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन आप थोड़ी अपने आप करते रहें इसकी, क्योंकि जो है हो सकता है बाई चांस मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर कोई कैलकुलेशन ऐसी हो जाए जो बाई मिस्टेक जो है रॉन्ग हो जाए, तो कैलकुलेशन आप इसकी करते रहें स्टूडेंट्स, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कैलकुलेशन कभी कभार जो है मिस्टेक बाई मिस्टेक हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक ना हो। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए मैं बात करूँगा 52.9 इन टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 9, 9 9 81, 9 81 और 9 2 18, 18 और 8 26, 9 5 45, 45 और 2 कितने हो जाते हैं 47, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहो तो आप पिकोमीटर में निकाल लो, चाहे आप आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल लो, चाहे आप मीटर में निकाल लो, सभी की यूनिट मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ nth टर्म हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ nth टर्म हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट दिखाई आपको, सेकंड ऑर्बिट दिखाई और थर्ड ऑर्बिट की भी मैंने कैलकुलेशन की है। आप चाहे तो जो है इसको जो है पिकोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में या मीटर में, जिसमें चाहे यूनिट में आप कन्वर्ट करके इसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी निकालने, किसकी बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूम रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा, फॉर्मूला निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए, किसका निकालूंगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं फॉर्मूला तैयार करने जा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब हमारे पास रेडियस निकालने की बात थी तो वहाँ पर मैंने जो है वेलोसिटी के टर्म्स में वैल्यू को सेट रख दिया था, लेकिन जहाँ वेलोसिटी निकालते हैं वहाँ पर सेकंड इक्वेशन को जो मैं रेडियस में वैल्यू सेट करते हैं, यानी कि आर के टर्म्स में वैल्यू को सेट करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε₀r, फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, दोनों पोस्टुलेट से हमारे पास ये दो वैल्यू आई थी। ये दो पोस्टुलेट जो नील बोर्ड ने दिए थे, ये कई फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक एक फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर कहीं भी फॉर्मूला मिस होता है तो आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। ठीक है, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, तो यहाँ पर मैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से मैंने अभी आपको बताया वैल्यू किस में सेट करूँगा, मैं रेडियस की टर्म में वैल्यू सेट करूँगा। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये एम वी मल्टीप्लाई में अगर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा जाके हमारे पास R इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmv, क्या फॉर्मूला बना जाके R इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmv। तो R की वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, फर्स्ट इक्वेशन में कहाँ रख देनी है, R की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख देनी है। तो मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रखते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε₀, आर की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2πmv, क्या रख दी मैंने, एन एच अपॉन 2πmv। अब इसमें देख लेते हैं क्या कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो देखने की कोशिश करते हैं, इस 2 से ये 4 2 टाइम चला जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई स्टूडेंट्स, इस पाई से ये वाली पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या अब कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, अभी फ़िलहाल के टाइम पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अब मुझे एकदम से कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती हुई नहीं दिखाई देती, तो मैं यही सारी वैल्यू रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल। तो फॉर्मूला बनेगा जाके हमारे पास एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, जो डिनोमिनेटर वाले टर्म थे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये तो बात आप जानते ही होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर एम वी अपॉन 2ε₀nh। देखिए स्टूडेंट कोई वैल्यू रहता नहीं गई, देखिए 2 बचा हुआ था यहाँ पे 2ε₀nh, और ये वैल्यू mv वाली कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, तो जेड स्क्वायर एम वी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो कैंसिल आउट हो रही है, ये m इस m को कैंसिल आउट कर रहा है, इस
वी से एक वी चली जाएगी स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बचेगा, वी इक्वल टू बचेगा हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। क्या फॉर्मूला बचा हमारे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो वेलोसिटी निकालने का मेन फॉर्मूला आपके पास बनकर तैयार हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। अब मुझे क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को मैं एक तरफ ले लेता हूँ और क्या करूँगा, जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक तरफ ले लेता हूँ। जैसे वेरिएबल यहाँ पर क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, हर एक एटम के है एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, वेरिएबल रहता है। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो भी चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तो जेड और एन में जो है वो मैं एक तरफ लेने की कोशिश करता हूँ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले लेता हूँ। तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला बनेगा, एक चीज़ और भी देख लीजिए, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि बाकी ये सारे टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, केवल वी जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन एन, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड ऑन एन। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन एन। अब एक चीज और देख लीजिए कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, क्योंकि अपॉन में आ रहा है, तो वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। यानी कि आप एक चीज़ और समझे कि जैसे जैसे ऑर्बिट जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे ऑर्बिट जो हैं बढ़ती जाएंगी, वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितने ज़्यादा पास रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, उतनी ज़्यादा जो है उसमें क्या होगी, वेलोसिटी जैसे बढ़ते जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जितना पास रहेगा उसमें वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन टर्म्स के लिए वी एन निकालनी होगा हमें, एन टर्म के लिए वेलोसिटी निकालनी है, तो वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ एन एन ऑर्बिट, एन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 से जितनी भी हो सकती हैं, तो एन टर्म के लिए क्या होगा, एनथी ऑर्बिट मान लेते हैं हम, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास nth टर्म के लिए। ठीक है, यानी कि nth ऑर्बिट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी निकालने का, ये वाला फॉर्मूला। अब कुछ नहीं है, जो वेरिएबल वाई टर्म्स हैं वो एक तरफ रख देते हैं और कांस्टेंट वाई टर्म्स एक तरफ रखते हैं, तो सभी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, कहीं भी ले जाओ 2 का 2 ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है और एच जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब वेरिएबल क्या रह गया यहाँ पर, केवल जेड और एन, तो मैंने क्या लिया, उनको इनटू में अलग लिख लिया, जेड अपॉन एन। और वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा कम होती रहेगी इलेक्ट्रॉन की, ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैंने रख दी है, तो कांस्टेंट टर्म की मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो वी एन ई की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज होता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, उसका भी क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 × ε₀ की मैंने वैल्यू बताई है 8.8 भी ले सकते हैं आप, 8.85 × 10⁻¹² और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.6 × 10⁻¾। ठीक है, और इन टू में क्या हो गया हमारे पास, जेड अपॉन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मैं ये सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके देखेंगे, देखिए स्टूडेंट कैलकुलेट करके ज़रूर देखें, हो सकता है बाई चांस मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखें। मैंने इनकी सबकी जब कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन करने पर मैंने ये पाया कि इन सबकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2.2 × 10⁻¹⁶ × z/n। क्या वैल्यू आई है, 2.2 × 10⁻¹⁶ × z/n मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगी इसकी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनके तैयार हो गया आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करें, 2.2 × 10⁻¹⁶ × z यानी कि एटॉमिक नंबर लगाएं एटम का, और एन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकलवाई गई है न्यूमेरिकल में, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो है
जब भी कंपटीशन में जाते हैं तो मेनली आपका ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, वेलोसिटी आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसका मेन फॉर्मूला क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है एनी टाइम के लिए ये फॉर्मूला बना, वेलोसिटी नॉर्मल जो है वो ये फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ हाइड्रोजन की, मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ क्या वो इन्वर्सली आ रही है ऑर्बिट बढ़ने पर, हम देखते हैं इसको आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन n इक्वल टू वन ले लिया हमने, n इक्वल टू क्या वन नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट चलिए लिख भी देता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करेंगे तो z इक्वल टू वन होगा, चाहे कहीं भी चले जाएं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन ही रहेगा। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है। तो वी एन एन यानी कि वन और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही तो वी वन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1 अपॉन 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, वो वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये होगी, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगी चेक कर लेते हैं, 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या स्टूडेंट 1 ही रहेगी, और एन की वैल्यू हो जाएगी इस समय 2 क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में पहुँच गए हम। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.1, डिवाइड करेंगे 2 से, 1.1 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं तो 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0.71 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखें क्या ये मेरी कैलकुलेशन की हुई सही है या नहीं है। तो 0.71 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड थर्ड ऑर्बिट में आ रही, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो थी 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में आते ही वो वेलोसिटी कितनी रहेगी 1.1 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑर्बिट में आके 0.71 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जा रही हैं वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑर्बिट की, और अगर मैं nth ऑर्बिट की बात कर रही हूं तो वी एन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के, क्योंकि nth ऑर्बिट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें। आप देखिए, अब एक चीज़ और समझें कि जब भी कोई चीज़ रिवॉल्व करती है या मोशन में रहती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जरूर रहती है, उसमें क्या रहती है, अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन में भी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो अब मैं फॉर्मूला तैयार करने जा रहा हूँ इन्हीं दो पोस्टुलेट से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट की बात करेंगे, बिल्कुल nth ऑर्बिट तक बात ले जाएंगे हम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट जितने भी आप फाइंड करना चाहें इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला अब हम बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth टर्म या nth ऑर्बिट, ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्लास 9th में ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², और वी की फॉर्म, वी के लिए फॉर्मूला अभी हम तैयार करके ही आ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म, n यहाँ पर लगा दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म के लिए यानी कि nth ऑर्बिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 m, और v का फॉर्मूला मैंने क्या तैयार किया था, ध्यान रहे स्टूडेंट फॉर्मूला था हमारे पास Ze² अपॉन 2πε₀ nh, ये फॉर्मूला था किसका, v का, जो भी हम पीछे निकाल कर आए हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन Ze² अपॉन 2πε₀ nh। आप देख सकते हैं इसको कि मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, क्या निकाला था, Ze² अपॉन 2πε₀ nh। यहाँ पर भी क्या निकला हुआ है मेरे पास, Ze² अपॉन 2 स्टूडेंट्स थोड़ा सा रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, वेलोसिटी जो है उसके फॉर्मूले में पाई की ज़रूरत नहीं होती है, यही तो है स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि हम इतना फ्लो में बह जाते हैं कि हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप भी, अब मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि हमेशा न्यूमेरिकल समय जल्दबाजी ना करें, ये मेरे से गलती हो गई स्टूडेंट, क्षमा कर दे मेरे को। तो यहाँ पर जो है, जो पाई की वैल्यू नहीं आएगी यानी कि पाई नहीं आएगी, तो फॉर्मूला मैं इसको कैंसिल आउट करके क्या फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट, ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा 1/2 m
क्या हो गया फॉर्मूला, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन एच। इसीलिए तो कहते हैं जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ता ही है। इसका क्या हो गया आपके पास, वी का स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे, वी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। और वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला सेट कर लिया था जेड स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन एच। अब हम चेक करके देखते हैं क्या हमारे पास जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो सही है। तो जेड स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन एच, अब हमने फॉर्मूला जो है सही लगाया। तो हमेशा स्टूडेंट जल्दबाजी में कोई काम ना करें। तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी आपके पास तैयार ये हुआ है। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें, क्या मैं m का इनटू कर सकता हूँ इस सभी पूरे उसमें, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि m क्या है, ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है उसका क्या होता है, इनटू होता है अंदर। तो करके निकालते हैं क्या बनता है फॉर्मूला हमारे पास। तो फॉर्मूला बन के तैयार होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो जेड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा था और ई का स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर हो गया, तो ई पे पावर कितनी आ जाएगी, 4। कितनी पावर आ जाएगी, 4 पावर आ जाएगी स्टूडेंट, ध्यान देंगे, बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है इन चीज़ों की। अपॉन 2, क्योंकि 1/2 था, अपॉन में 2 हो जाएगा, इन टू। और देखिए स्टूडेंट्स 2 यहाँ लगा हुआ है, उस पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख लिया मैंने। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू बनी जाके आपके पास, ठीक है। तो 4 का 2 में इनटू कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म हो जाएगा आपके पास एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, F8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्यों स्क्वायर हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ था उसका क्या था, स्क्वायर था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना है कि कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले लेनी है और वेरिएबल टर्म्स एक तरफ ले लेनी है। तो कांस्टेंट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या रह गया हमारे पास, जेड रह गया और एम रह गया। तो इन दोनों वेरिएबल्स को अलग लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म एक तरफ लिख लेंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास जाके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, क्या बना जाके आपके पास, एम ई 4, क्योंकि जेड वेरिएबल था उसको बाद में ले जाना हमें, अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या हो गया, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना जाके। अब कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू आप सेट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू सेट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला बिल्कुल रेडी हो जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो रखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10⁻³¹ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹, वो भी क्या है उसका भी 4 पावर चढ़ी हुई है, उस पर कितना चढ़ी हुई है पावर, 4 चढ़ी हुई है स्टूडेंट, ठीक है, पावर कितनी है उस पर, 4 पावर है, अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कितनी पावर, कितना है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 × 10⁻¹² का स्क्वायर, इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻³¹, उस पर भी क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी कांस्टेंट टर्म की मैंने वैल्यू को सेट कर दिया है इनटू में, अब मुझे करना है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या करना है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जब मैंने इन सभी वैल्यू की कैलकुलेशन की तो मेरे को जो कैलकुलेशन मिली स्टूडेंट वो कैलकुलेशन थी 13.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹, क्या कैलकुलेशन थी, 13.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, जूल पर एटम, ये एनर्जी किस में निकली है, जूल पर एटम है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ, 13.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल पर
एटम, ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। डायरेक्ट झट से अगर आपको जूल पर एटम में निकालनी है तो इस फॉर्मूले को रख के आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा जाके वो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 21.76। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट, जो भी मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ उस कैलकुलेशन को आपको एक बार और अगर आप करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आप में क्लियर होगा और प्लस आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। तो ये वैल्यू बनी जाके आपके पास 21.76 × 10⁻¹⁹ जूल पर एटम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आप जो है काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाय चांस क्या होता है स्टूडेंट्स कि और भी कई टर्म्स में जो है एनर्जी पूछ ली जाती है, किलो जूल में पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमें यूनिट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्या मालूम होना ज़रूरी है, हमें यूनिट मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि सपोज करो आपसे पूछ लिया गया कि आपको एनर्जी निकालनी है जूल पर मोल में निकालनी है, किसमें निकालनी है, जूल पर मोल में निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि वन मोल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होती है वैल्यू। वन मोल बराबर क्या होता है, कितना क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.023 × 10⁻²³ होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस वाली वैल्यू में 6.023 × 10⁻²³ का मल्टीप्लाई कर देना है तो जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, जूल पर मोल में आएगा आंसर। किसमें आएगा, जूल पर मोल में। करके देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, तो 21.76 × 10⁻¹⁹ × 6.023 × 10⁻²³। ठीक है, × Z²/N²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू किसमें बनेगी जाके, इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया आंसर मेरे पास, तो मुझे आंसर मिला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो मिला जाके 1312 × Z²/N² किलो जूल पर मोल। किसमें हो गया, जूल को भी किसमें चेंज कर लिया, किलो जूल में। ठीक है स्टूडेंट, जूल को भी किसमें कर लिया था, किलो जूल में चेंज कर लिया था। तो आंसर मिला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1312 × Z²/N² किलो जूल पर मोल। अब देखिए, हो सकता है कि आपसे जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी जिसको लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ईवी में अगर आपको निकालना है तो हम जानते हैं कि 1 ईवी बराबर होता है आपके पास 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बात आपने 9th में पढ़ ली है, अगर नहीं ध्यान है तो मैंने आपको बता दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये जो वैल्यू है वो आपकी क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर में अगर निकालनी, 1 किलोवाट आवर में अगर निकालनी है तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, ये बात भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 10⁻⁶ जूल होता है। ये आपकी लार्जेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये लार्जेस्ट यूनिट है। तो जैसी यूनिट आपसे दी जाए तो वो आप यूनिट में कन्वर्ट करके आप इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देता हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ध्यान देंगे क्या फॉर्मूला बनेगा जाके आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बराबर बनेगा जाके, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, 13.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ और 1.6 × 10⁻¹⁹ किसके बराबर होता है, कितने बराबर, 1 जूल के बराबर होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1.6 × 10⁻¹⁹ किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी 13.6 × Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। बाकी हो सकता है किलो जूल पर मोल के या आपके जो है जूल पर एटम के फॉर्मूले ना पूछे जाए, और ऐसा होता भी है कि ये फॉर्मूले आपसे कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही न्यूमेरिकल आपकी क्लास में पूछे जाएंगे, बोर्ड में, कंपटीशन में, सब जगह जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला मस्ट है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, इससे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, आप टेंशन ना लें। मैं इस पूरे चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा और सारे फॉर्मूलेस के साथ में। तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू में कितना आ जाएगा, 13.6 × Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ज़्यादा जो है मैं भी लिख भी देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर रखें, जरूर याद करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं,